आप सभी का हमारे चैनल द छतरी वाले पे फिर से एक बार स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम हर नए नए सेंटर पर जाते हैं और आपको बताते हैं कि आप लोग अपने एग्जाम सेंटर कैसे पहुंचिएगा। तो इसी सिलसिले में हमने बंगाल का पूरा कवर कर लिया है। अभी हम लोग बिहार आए हुए हैं, बिहार राज्य में। तो यहाँ पे हम लोग जब वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ भी आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आप अपने सेंटर तक कैसे पहुंचिएगा। और बंगाल आपको एग्जाम देने जाना हो तो आप आसानी से बंगाल जा सकते हैं एग्जाम देने के लिए। हर सेंटर का वीडियो बन चुका है। अगर जो छूट गया होगा आप हमें कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई कर देंगे या कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड करने के लिए। आप आसानी से, जितना आसान हो सके, आप अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंच जाए, ठीक है ना। तो गाइस, इस सिलसिले में आज हम लोग पटना में भी है, तो एक हमारे साथ एक खास मेहमान से आज मुलाकात हुआ है, ठीक है ना। तो आइए हम आज उनसे मिलवाएंगे आपसे। वो अपने आप में भी एक मोटिवेशन है। आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम जितना जल्दी हार मान लेते हैं कोई भी चीज़ के लिए, कुछ प्रयास करते हैं लेकिन करते करते क्या करते हैं, घर का प्रॉब्लम चाहे फाइनेंशियल स्थिति, हम इसका रोना लगते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम मिलेंगे ऐसे खास शख्स से जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत ही कम उम्र में अच्छे खासे एक मुकाम पर हासिल किए हैं। तो आज हम उन्हीं से मुलाकात करेंगे। उनका नाम है ब्रजेश कुमार सिंह। वो बिहार में एक ASI ऑफिसर हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप हमारे चैनल पर आए और अपना कीमती टाइम जो है निकाल कर हमें दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा सर, और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी अच्छा लगेगा, जो स्टूडेंट हैं उन्हें भी आज कुछ काफ़ी सीखने को है हमारे वीडियो से, आपके आपके माध्यम से उन्हें भी जानने को आज मिलेगा। सर, अपना जो स्ट्रगल का जो जर्नी है, जो इन्होंने अपना शुरुआत सर कहाँ से किए थे और कैसे इस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो इनके बारे में आज हम सर से थोड़ा जानेंगे। सर के जुबान से ही सर ही बताएंगे कि कब इस तरह से करना स्टार्ट किए, कहाँ का जो स्ट्रगल इनके लाइफ में आया, वो सब कुछ आज वीडियो में बताएंगे सर हम लोग के साथ। सर, तब अपने अपने स्ट्रगल स्टोरी के बारे में कुछ बताइए कि सर आपका जो जर्नी आज यहाँ तक आप जो पहुँचे हैं, तो किस कैसा रहा सफ़र जो शुरुआती दौर से और अभी तक कैसे, और आगे भी क्या करना है, जरूर हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बताइएगा। पहले तो मैं आपका और आपके दर्शकों का दिल से अभिवादन करता हूँ। मैं अभी पटना सिटी SP ईस्ट के क्राइम लीडर के पद पर कार्यरत हूँ। जी सर। और जैसा कि आपने स्ट्रगल का बात किया कि बहुत स्ट्रगल किया है। हाँ सर, आपके बारे में काफ़ी सुने। वैसे तो सारे स्टूडेंट को स्ट्रगल करना पड़ता है सरकारी जॉब लेने के लिए। आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, देखिए सरकारी जॉब के लिए दो बातें जरूरी होती हैं, जैसे कि एक अभाव, दूसरा प्रभाव। या तो आप किसी के प्रभाव में आकर आपके अंदर जुनून है सरकारी नौकरी लेने के लिए, एक तो वो काम करती है, दूसरा है अभाव। यदि आपके पास अभाव है, दूसरा कोई चारा नहीं है, तो उसके लिए भी हमें नहीं चाहते हुए भी बहुत मेहनत, कठिन मेहनत करनी पड़ती है, जिससे कि हमें सरकारी नौकरी मिलती है। मेरे लाइफ में यही हुआ है, प्रभाव भी है और बहुत ज़्यादा हाथ अभाव का भी है। जी सर। मैंने बहुत अभाव देखी है अपने लाइफ में। मैं आपको बता दूं और आपके दर्शकों को भी, जैसे मेरे दादाजी थे जो अभी एक्सपायर कर गए हैं, उनका सपना था कि मैं इंजीनियर बनूं। अच्छा। पर मैं ये भी अपने आंखों से देखता था कि मेरे फैमिली में क्या कठिनाई है और क्या मैं पूरा इंजीनियरिंग कोर्स कर पाऊंगा या नहीं। मुझे ये दोनों देखनी थी और बाबा अपने दादाजी का सपनों को भी देखना था। इसी के साथ मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया, अपने दादाजी के सपनों को साथ लेकर कि मैं इंजीनियर बन सकूं। मैंने पटना में इंजीनियरिंग करने के लिए आया और जैसा कि मेरा पढ़ाई गांव में ही हुआ था हिंदी मीडियम से, मुझे कुछ कठिनाई हुई पटना में इंजीनियरिंग की तैयारी को लेकर, और मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। मेरे प्रथम प्रयास में इंजीनियरिंग, जैसे मैंने IIT JEE दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर मैंने बिहार पॉलिटेक्निक दिया, तो उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ और मैं पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया। मेरे दादाजी भी पहले डिप्लोमा किए थे गवर्नमेंट कॉलेज से, तो चाहते थे कि मेरा पोता भी एक इंजीनियर बने सरकारी इंस्टीट्यूट से, तो मैंने एडमिशन लिया पॉलिटेक्निक में। लेकिन मेरे मन में ये था कि नहीं, मेरा जो फैमिली है अभी अभाव के रास्ते से गुजर रहा है, मैं उतना टाइम नहीं दे पाता अपने कोर्स को लेकर। तो मैंने दादाजी का सपना और वो भी देखना था,
मैंने एडमिशन तो ले लिया पर डेढ़ दो साल तक मैंने कंटिन्यू रखा और मैं पटना में ही रहकर ट्रेन से आता जाता था। मेरा एडमिशन बेगूसराय में हुआ गवर्नमेंट कॉलेज में और मैंने एडमिशन ले लिया और मैंने पटना से ही पढ़ाई अपना जारी रखा। डेली ट्रेन से आता था जाता था पर समय की मांग और वहाँ के इंस्टीट्यूट का मांग हुआ कि मैं वहीं पर रहकर पढ़ाई करूँ। और मेरे माइंड में ये भी चल रहा था कि मुझे सरकारी नौकरी लेनी है और वो भी जल्दी लेनी है। फिर मैंने सोच समझ कर एक बहुत बड़ा और रिस्क भी लिया। मैंने पॉलिटेक्निक को वहीं पर ड्रॉप मुझे करना पड़ा और मैंने गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के लिए पटना में तैयारी किया। बहुत सारे क्लास किए यहाँ पर, छोटा छोटा रूम में मैंने रहा, स्ट्रगल किया। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि जो रिस्क मैंने खेला था, मैं अपने परिवार वालों को बिना बताए ही मैंने ड्रॉप किया, जिससे मेरे माइंड में हमेशा चलते रहता था कि मुझे जल्दी जॉब लेनी है। और मैंने इसी को माइंड में रखकर तैयारी स्टार्ट किया। फिर मैंने जब एक कंपटीशन की दुनिया में आया तो मुझे पता चला कि यहाँ तो बहुत भीड़ है। इसके बाद मैंने एक डेढ़ साल तैयारी किया और मेरे माइंड पर प्रेशर बढ़ता गया क्योंकि मैंने बिना बताए ही अपना कोर्स ड्रॉप कर दिया था। फिर मैंने जल्दी जॉब को पाने के लिए जनरल कंपटीशन के साथ साथ मैंने शॉर्ट हैंड की पढ़ाई स्टार्ट की और मुझे पता चला कि शॉर्ट हैंड की दुनिया में थोड़ी कम स्ट्रगल है। फिर मैंने कोर्स स्टार्ट किया और मैंने पढ़ाई जारी रखा। 2016 में मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया था और फिर मैं हमको जाने के बाद ऐसा पता चला और मुझे आभास हुआ कि स्ट्रगल तो किसी भी क्षेत्र में है, सभी क्षेत्र में स्ट्रगल करनी पड़ती है। और मैंने वही शॉर्ट हैंड को साथ लेकर मैंने एक साल तक पढ़ाई एकदम कंटिन्यू रखा और 2017 में SSC स्टेनो 2017 वैकेंसी आया जिसमें मैंने पहला फॉर्म भरा शॉर्ट हैंड से और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ और मुझे CBDT इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ग्रेड डी का पद पर मेरा चयन हुआ और उसमें जो जोन मिला मुझे चेन्नई मिला। और जब तक कि तो जानते ही हैं SSC का प्रोसेस, जब तक मुझे ज्वाइन करा था तब तक मेरा बिहार में ASI जो अभी मैं कार्यरत हूँ जिस पद पर, उसका वैकेंसी आया ASI स्टेनो का। मैंने भरा और उसमें भी मेरा, जब तक से वो ज्वाइन करा था तब तक से मेरा इसमें फाइनल सिलेक्शन हो गया और उससे पहले ये मुझे ज्वाइन भी करा दिया। जैसा कि आपको और आपके दर्शकों को भी मैंने बताया है कि मेरा फैमिली जो था अभी अभाव में था और मैंने अभाव देखी थी तो मुझे ये पोस्ट ज्वाइन करना पड़ा और मैंने किया, दिल से ज्वाइन किया और मैं दिल से अभी कार्यरत हूँ। उसके बाद भी फिर मैंने, जो आपको बता दूँ आपके दर्शकों को भी, कि ये जो शॉर्ट हैंड है ये तो हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म देती ही है जिससे इसमें जो भी आपको जॉब मिलता है वो आपको एक अच्छी पर्सनैलिटी देता है और रिस्पेक्टफुल जॉब देता है। और मैं जो अभी जिस पोस्ट पर कार्यरत हूँ ये मैंने 2019 में ज्वाइन किया और ये जो पीरियड है 2016 से 19 तक मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, शॉर्ट हैंड भी और जनरल कंपटीशन को लेकर भी, जिसमें मेरा 2018 का जो वैकेंसी SSC स्टेनो उसमें भी मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ और जिसमें ग्रेड सी मिला, मुझे कस्टम डिपार्टमेंट मिला है, उसका भी प्रोसेस अभी चल रहा है। अभी उसका ज्वाइनिंग लेटर अभी नहीं आया है, उसके आने के बाद सोचा जाएगा कि क्या किया जाए। उसमें मेरा कलकत्ता जोन मिला है, उसी दौरान मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए जिसमें बिहार विधानसभा का भी वैकेंसी था स्टेनोग्राफर का, वो भी मैंने दिया, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ। और बिहार SSC स्टेनो का भी मैंने दिया, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन ये जो था, जो वैकेंसी ये दोनों था, ये 2400 ग्रेड पे का था जो मैं पहले छोड़ चुका था और मैं अभी कार्यरत हूँ 2800 ग्रेड पे पर। तो मैंने इस एग्ज़ाम में, जो फाइनल एग्ज़ाम था, मैंने उसमें पियर होना उचित नहीं समझा क्योंकि सेम ग्रेड पे है और इतनी बेरोजगारी है, तो मैंने उसे, उस जॉब को, दो जॉब को छोड़ना उचित समझा।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और भगवान करे कि आप और भी आगे बढ़े, इसी तरह अपनी ऊंचाइयों को हासिल करें और दिन दुगनी रात चौगुनी ऐसे मेहनत करें और आगे बढ़िए, ठीक है ना सर। तो सर हम इतना यही जानना चाहेंगे कि सर अब जो हमारे जो स्टूडेंट भाई है जो आने वाले समय एग्जाम देंगे या जो देने वाले हैं, तो उनको कुछ क्या सलाह देंगे, कैसे वो पढ़ाई करें, अपना फोकस रखें, क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ उन्हें बताते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता। जैसे तो मैंने आपके दर्शकों को बताया कि हमेशा माइंड सेट रहनी चाहिए सरकारी जॉब को लेकर, क्योंकि बेरोजगारी है, बहुत है, चरम सीमा पर है। इस समय अपने एम को सामने रखकर हमेशा प्रयासरत रहना जरूरी है। मैं स्टूडेंट को बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप अपना एक एम डिसाइड करके और उसी पर लगातार प्रयासरत रहें, जिससे सफलता तो सुनिश्चित है ही, वो आपको मिलना ही है। और रही बात तो पढ़ाई को लेकर के कितना घंटा पढ़ाई करें, जैसा आप लोग का हमेशा सवाल रहता है, वैसे कोई टाइम टेबल नहीं है कि मैं इतना इतना टाइम से इतना बजे तक ये पढ़ूं वो पढ़ूं। जब आपको समय मिले अपने स्वेच्छा अनुसार पढ़ाई करें और रोज़ पढ़ाई करें, गैप नहीं आना चाहिए बीच में, जिससे तैयारी जो है हमारा दिन प्रतिदिन अच्छा होते जाता है। और एक बात ज़रूर मैं कहूँगा कि नौकरी लेने के लिए, जॉब का अच्छी प्रिपरेशन के लिए एक माहौल का होना भी ज़रूरी है। अच्छे माहौल में रहें, अच्छे फ्रेंड्स के साथ रहें और अपना एक ग्रुप बनाएं, ग्रुप डिस्कशन से ग्रुप में पढ़ाई करें, जिससे तैयारी अच्छी होती है और उसका आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और मैं आपसे भी एक बात कहना चाहूँगा कि जो आपका चैनल है पर आप लोग काम कार्य कर रहे हैं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा है, क्योंकि ये आवश्यकताओं को स्टूडेंट को लेकर खासकर आवश्यकताओं को पूरा करता है, क्योंकि जो आपका ये जो काम है बहुत ही सराहनीय है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसे रेगुलर बनाए रखेंगे और सारी आवश्यकताओं को पूरी करेंगे सेंटर को लेकर, क्योंकि मैंने उस कठिन समय को भी फेस किया है सेंटर को लेकर, कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है। और मैं ऐसा करता हूँ कि आप ऐसे ही जैसे बिहार में आए हैं वैसे और भी स्टेट में जाकर ये सेंटर वाला जो कठिनाई है वो दूर करेंगे स्टूडेंट का। बिल्कुल सर, और मैं स्टूडेंट से भी ये बताना चाहूँगा कि इनका वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा सेंटर को लेकर। थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे इतना बिजी शेड्यूल में अपना टाइम निकाल कर हमारे पास आए और हमारे जो बच्चे हैं जो दोस्त हैं जो देख रहे हैं उनको अपने बताया, गाइड किए किस तरह से पढ़ाई करना है। और आप लोग ने सुना कि सर कितने सारे एग्जाम को निकाले भी है, फर्स्ट अटेम्प्ट पे भी बहुत सारे थे। तो आई होप हम भी उम्मीद करेंगे कि आप इस तरह से तैयारी करिए और आगे बढ़िए। और सर कुछ दो लाइन कहना चाहेंगे स्टूडेंट के लिए? एक बात मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक किसी काम को किया नहीं जाता है तभी तक वह काम असंभव लगता है। इसी तरह आप मेहनत कीजिए और पढ़ाई को अपने जारी रखें, निरंतर प्रयास करते रहिए और अपना और अपने माता पिता का सपना को जरूर साकार कीजिए। धन्यवाद।